sir. We have done the bike is about it. अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम जी सैफुल मुलुक आए हैं दोबारा, 3 महीने बाद फिर आए हूँ, लेकिन इस टाइम अभी बर्फ़ नहीं रही, कुछ पहाड़ों में बर्फ़ है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। इसके ऐसी जगह है कि ये आपको बार बार भी आप जाएँ तो आपका दिल करेगा जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह रात को मैंने यहाँ स्टे किया और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। रात को यहाँ पूरा चाँद था, मीन्स के जील सैफुल मुलुक के ऊपर चाँद की रोशनी पड़ रही थी और बहुत खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पर। और पहले चांद रहा, फिर उसके बाद रात गुजरी, 2 बजे के बाद फिर बादल आ गए, धुंध होगी सारी। ये सामने जो जितना एरिया ये धुंध से भर चुका था, फिर नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात बहुत अच्छी गुजरी है। तो इंशाल्लाह जो हमें आगे जाना है तो इंशाल्लाह आपसे रब्ते में रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये देखें माशाल्लाह ये जील सैफुल मुलुक इस साइड पे आ जाती है, देखें ये जील सैफुल मुलुक है। और ये जो जीप हैं ये आपको यहाँ उतारती हैं, जीप जो नारान से आपको लेके आती हैं। इसके अलावा ये जो है ना, ये जगह जो है ये साथ ही नीचे जगह है, ये जगह कैंपिंग के लिए है। मीन्स कि अगर किसी ने कैंपिंग करनी हो तो यहाँ आके कैंपिंग करें, क्योंकि सारे कैंप जो होते हैं वो इधर ही होते हैं। और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है, यकीन माने तो। इसके अलावा ये सैफुल मुलुक का होटल है। वैसे अगर कैंपिंग करनी है तो सामान आपका अपना हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ खाना मज़े का नहीं मिलता है। नारान में ठीक है खाना, लेकिन यहाँ खाना उस तरह मज़े का नहीं है। अगर आपने इंजॉय करना है साथ, आप खाने का टेस्ट भी जाते हैं इतनी अच्छी खूबसूरत जगह में, तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप आराम से जो है ना खाना खा सकें, ठीक है, इन्जॉय भी करें। रात को ठंड इतनी होती है, आपके पास कॉफ़ी बनाने का सामान हो, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़रूरी होती है इधर, कॉफ़ी के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ। तो ये देखें अभी बर्फ़ यहाँ बिल्कुल भी नहीं रही, वो सामने पहाड़ है ऊपर उस पर थोड़ी सी रह गया। अदरवाइज़ मैं 3 मंथ पहले आया था यहाँ, तो ये उस टाइम ये बर्फ़ सारी भरी हुई थी, मीन्स के बैक साइड पे सैफुल मुलुक के वो बर्फ़ से ढका हुआ था बिल्कुल। तो अभी थोड़ी सी बर्फ़ रह गई है यहाँ, लेकिन यहाँ 12 महीने बर्फ़ रहती है, क्योंकि इस वो जो सामने पहाड़ है उसके अगर आप पीछे चले जाएं तो जहाँ आंसू झील है तो उधर बर्फ़ अभी भी है। तो आंसू झील जाने का चांस अभी तक नहीं मिला क्योंकि टाइम नहीं था, इंशाल्लाह वहाँ भी जाना है, उसको लाजमी देखना है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर आएँ यहाँ, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वो उनकी, अगर आपने यहाँ रहना है कैंपिंग करनी है तो ये सारी चीज़ें हों तो आप और ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।